मई को राइनोप्लास्टी सर्जरी कराई और मेरी राइनोप्लास्टी सर्जरी भी कार्टिलेज से हुई जो डॉक्टर कौन सहानी के द्वारा की गई है। मैंने इसके लिए बहुत सारे हॉस्पिटल्स और पता नहीं कहाँ कहाँ मैं गई पता करने कि राइनोप्लास्टी सर्जरी क्या है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, ये कैसे होता है। लेकिन जब मैंने कौन सहानी सर से बात की तो मुझे लगा कि नहीं, ये इजी है, इतना मुश्किल भी नहीं है जितना हम सोचते हैं। कई डॉक्टर से मुझे थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस भी आंसर मिला जो मुझे अच्छा नहीं लगा। यहाँ आने के बाद जब मेरी सर्जरी हुई तो मुझे लगा था बहुत पेनफुल होगा। मैंने सर से पूछा भी कि क्या सर ये सर्जरी बहुत पेनफुल होती है, तो सर ने कहा कि थोड़ा सा तो होता है कोई भी सर्जरी। फिर जब मेरी सर्जरी हुई तो मैंने ये वाकई में रियलाइज़ किया कि नहीं, पेन इतना ज़्यादा नहीं है जो हम सह नहीं सकते। थोड़ा सा पेन होता है जो पेन किलर से कंट्रोल हो जाता है। और सर्जरी के बाद लगभग 48 घंटे तक मेरी नाक को पैक कर दिया गया था। उस दौरान मुझे मुँह से सांस लेना था और 48 घंटे बाद जब मेरे नाक के पैक को खोला गया तो मैं बिल्कुल अच्छे से सांस ले पा रही थी। आज लगभग 10 दिन बाद जब मेरे स्टिचेस निकाले गए और प्लास्टर निकाला गया तो वाकई में मुझे दिख रहा है कि मेरी नाक में बहुत सारे चेंजेस है। जो मैं चाहती थी कि बीच का जो भाग है वो दबा हुआ है वो थोड़ा सा उठ जाए, ऑगमेंटेशन हो जाए उसमें, वो मुझे वाकई में सर के द्वारा किए गए ऑपरेशन से मुझे ये रिजल्ट 100% मिला है। मैं बहुत खुश हुई जा रहा हूँ प्लास्टर से। सर बहुत हेल्पफुल हैं और मुझे तो लगा था कि अगर मैं ऑपरेशन कराने आऊँगी तो पता नहीं डॉक्टर कैसे मिलेंगे, पता नहीं मेरा सहयोग भी करेंगे कि नहीं। लेकिन सर का नेचर बहुत हेल्पिंग और बहुत जेनरस है, जो एक डॉक्टर में होना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर ऐसे डॉक्टर मिल जाएँ तो मैं कहती हूँ कि 100% आप बेफिक्र होकर राइनोप्लास्टी करेंगे और अपने चेहरे से और अपने पर्सनैलिटी से 100% कॉन्फिडेंस आपका दिखेगा।